बहुत बहुत वेलकम करूंगा फ्रेंड्स एक बार फिर आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल डिजिटल रिंकू के ऊपर। और क्विक वीडियो है, क्विक अपडेट है। एक इंटरव्यू हुआ है अनुराग ठाकुर जी का, जो कि हुआ है हमारा, अगर हम बात करें तो ये जो इंटरव्यू हुआ ये हुआ एटीवी भारत के ऊपर, और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या बोला क्या नहीं बोला, छोटा सा वीडियो है, क्विक वीडियो लेकर चलता हूँ आपको उस वीडियो के ऊपर, और देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, और उसका थोड़ा सा अपने लेवल पर जो है थोड़ा सा हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर काफी चर्चा चल रही है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की क्या योजना है, कैसे रेगुलेट करेंगे, क्या इस पर टैक्स भी लगाएंगे? तो ये बिल्कुल स्टिक एक क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन का आंसर अनुराग ठाकुर जी ने क्या दिया, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने क्या बोला, इसका आंसर क्या दिया टैक्सेस को लेकर। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में भी इसके कुछ ना कुछ चलता रहता है। सुना आपने क्या बोला यहाँ पर, कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहुत कुछ चलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर ध्यान लगाकर बैठी हुई है, जो कि हमारा इंस्टाग्राम है, जो हमारे ट्विटर हैं, जो हमारे टेलीग्राम है, जो हमारा फेसबुक है, प्लस जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए हैं, वो जितना कुछ भी वहाँ पर लिखते हैं बोलते हैं उन सबको जो है सब पर सबकी नज़र है, और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को स्टडी कर रही है। तो लेट्स सी, एक बार दोबारा सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोला आगे। सबसे पहले तो बोर्ड RBI ने एक रेगुलेटर के नाते प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध भी लगाया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, लेकिन दूसरी ओर सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई, उस समूह ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मिला, उन्होंने अपने उसमें विचार दिए। अब उस रिपोर्ट को जब एक बार कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट उसको मंजूर करती है, तो सरकार इस सत्र में इस बिल को ला भी सकती है कि जिससे क्रिप्टो करेंसी पर यहां पे देश में कानून भी बने। सुना आपने क्या बोला उन्होंने, कि IMC की जो कमेटी थी जिसके जो हेड थे वो सुभाष चंद्र गर्ग थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और वो रिपोर्ट उनके पास पड़ी हुई है, लेकिन उसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं, और इसके बाद जो है अब इसे कहाँ भेजा जाएगा, इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा, और कैबिनेट के बाद इसको लेकर आएंगे कहाँ पर, लोक सत्र, मतलब इस ये जो सत्र चल रहा है इसमें लेकर आएंगे। इसका मतलब जो आने वाला अप्रैल का मंथ है और जो मार्च का मंथ है उसमें ये बिल आ सकता है और आने के पूरे चांसेस हैं। अब कहीं भी उन्होंने अब तक ये नहीं बोला है कि मतलब हम इसको बैन करने जा रहे हैं, उन्होंने ही बोला है कि हम कानून ला सकते हैं, ठीक है, और इसमें कोई बात एडिटिंग नहीं हो रही है, कोई बात बोली नहीं जा रही है, जो उन्होंने सामने से प्रैक्टिकली बोला है वही चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि IMC के ऊपर जो रिपोर्ट दी थी सुभाष चंद्र गर्ग जी ने, ऑलरेडी पहले से ही इनके पास है, उन सब चीज़ों को वो देख रहे हैं, कैबिनेट के पास ये जाएगा, कैबिनेट जब इसको पास करती है तो ये फिर कहाँ जाएगा, हमलेजामा पहनाने के लिए इसको कहाँ पर लाया जाएगा, इसे लाया जाएगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसको जो है चीज़ों को देखा जाएगा। अब एक बात जो कुछ दिन पहले CNN चैनल पर आई थी, कि उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पर जो है एक ऑर्डिनेंस आने वाला है और उसके थ्रू बिल आने वाला है, इसका मतलब यहाँ पर तो ये उनके हिसाब से वो बात झूठी निकली, और बहुत सारे जो दूसरे मीडिया थे कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि भाई सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तक के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि वो भी झूठी है। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या बोला, और आप भी समझ सकते हैं यार कि गवर्नमेंट है तब चीज़ों को तोल मोल कर ही बोलेगी, ऐसे नहीं बोलेगी, तो आगे देखते हैं आगे उन्होंने क्या बोला। और जो देश को, दुनिया भर के देशों को एक जो चुनौती है, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और दूसरी जो उनके अपने देशों की डिजिटल करेंसी हो सकती है, वर्चुअल करेंसी हो सकती है। तो सुना आपने, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि गवर्नमेंट को जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक वर्ड से जिसका नाम है करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो होती है खुद की ऑन करेंसी होती है, तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि इसको जो है हम असेट्स में बोल सकते हैं कि ये क्रिप्टो असेट्स हैं और ये ट्रेडिंग के काम आ सकते हैं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट यहाँ पर चेंजिंग कर सकती है। बेसिकली जब वर्ल्ड करेंसी आता है तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोई करेंसी नाम का वर्ड आता है तो उससे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो न्यू गाइज होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं,
कई बार वो मिसगाइड हो जाते हैं कि ये भी एक करेंसी है, जबकि टू बी ओनेस्ट अगर हम बात करें तो ये एक असेट्स है जिसको कि हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी होती है किसी भी कंट्री की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि भाई लोगों का पैसे का लॉस नहीं हो। इसको लेकर थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो क्रिप्टो करेंसी ना बोलकर जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो एसेट्स बोलेंगी और कुछ लॉज लेकर आएंगी और हमारे से यहाँ पर जो है आगे चल के हमें सर्विसेज देंगी काम करने के लिए। और जो पिछले कल की न्यूज़ थी वो भी एक ऑथेंटिक न्यूज़ है कि यहाँ पर जो है GST और टैक्सेस लगने की बात हो रही है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर वो वीडियो ऑलरेडी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि अब इन्होंने आगे क्या समझाना चाहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं वो। उस दिशा में भी दुनिया भर के देश अपने अपने स्तर पर अभी बातचीत कर रहे हैं। क्या इस पे टैक्स भी लगेगा क्रिप्टो करेंसी पे, कुछ ऐसा भी प्रस्ताव है सरकार? मुझे लगता है जब एक बार बिल आएगा उसमें बहुत सारी आपकी जो शंकाएं चिंताएं और आपके सवाल, इन सब का उत्तर आपको उसमें मिलेगा। तो क्या बोला, जैसे बिल आएगा आपकी शंकाएं आपकी चिंताएं उन सब का आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव वे में बात हो रही है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, शंका करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम करें और यहाँ पर कुछ अच्छा खासा करें यार। तो गुड न्यूज़ है ये। और इसको कौन किस नज़रिए से लेता है वो डिपेंड करता है। मीडिया तो हमारा इतना मतलब है कि यार मैं क्या बोलूँ मीडिया को, मीडिया तो अपने को इस तरह से लेकर चलता है जैसे उस मतलब हर चीज़ उसकी नज़र में गलत है। ठीक है, तो सांप को अजगर बनाना उनका काम है, वो सांप का रस्सी नहीं बनाते हैं, वो सांप का सीधा अजगर बना देते हैं। तो आगे सुनते हैं कि आगे उन्होंने क्या बोला है। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, इस बीच में काफी चर्चा इस विषय भी हुई जो विदेशी कंपनियां हैं, टेक जायंट्स हैं, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन इंडिया में बहुत बड़ा है, उस अनुपात में ये टैक्स नहीं देते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी 2016 में, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स है। लोगों का कहना है कि जितने ऐड ये सर्व करते हैं इंडियन व्यूअर्स को, उस हिसाब से इन पे कोई इनडायरेक्ट टैक्स भी होना चाहिए। तो सुना आपने कि यार ये टैक्स जो है ना, देखो एक्चुअली मैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत होती है। तो यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हो रही है, गूगल जैसी कंपनियों की बात हो रही है और दूसरी कंपनियों की बात हो रही है। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो टैक्सेस का जो प्रोसेस है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा और हम सब लोग जो है इनको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़, सबसे पॉजिटिव चीज़ इस इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू के कुछ पल मैंने आपके साथ में शेयर किया है, इनके साथ में कहीं भी कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोला गया कि हम इसको बैन करेंगे। उन्होंने यही बोला कि हम लॉज ला रहे हैं, एक कमेटी बनाई है हमने दोबारा से जो सारे के सारे बिल को रेडी कर रही है। ये बिल हम कैबिनेट को भेजेंगे, कैबिनेट जब उस पर सारे को सेंक्शन कर लेगा उसके बाद ये बिल किसके पास जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा और उसके बाद जो है इसको अमलीजामा पहनाया जाएगा। तो आपको समझ आ रहे हैं आप भी कि कैबिनेट में एक सिंगल बंदा नहीं होता, बहुत सारे लीडर्स होते हैं और सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। लेकिन भगवान ना करे कि ये जो है ये मीडिया की तरह ही निकले ये हमारे MPs भी, कि भाई वो नॉलेज नहीं रखते हो। लेकिन आज के डेट में हमारी जो कंट्री है उसके जो MPs हैं वो भी अब एडुकेट हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और उम्मीद करेंगे ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को समझेंगे और सारी की सारी चीज़ें अच्छी होंगी। दूसरा, उन्होंने जब पूछा टैक्सेस को लेकर तो उन्होंने क्या बोला कि एक बार बिल आने दो, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, इवन आपके सारे डर दूर हो जाएंगे। तो आंसर सारे के सारे यहीं पर हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। इसी के साथ में वेट करते हैं नेक्स्ट अपडेट का। और अगर आपको लगता है कि आपको जो है ऐसे ही अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो आप जो है चीज़ों को पहले समझें। अगर आपको लगता है कि ऐसे टाइम टू टाइम अपडेट आपको चाहिए तो क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाले टाइम में जो भी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। थोड़ा मेरा वीडियो डिले ज़रूर हो सकता है लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की अपने चैनल पर कि मैं जो भी आपको अपडेट दूँ वो सारे का सारा ऑथेंटिक अपडेट दूँ, मीन्स उसके पीछे कुछ ना कुछ रिसर्च करके दूँ। ठीक है, बहुत सारे भाई लोगों के मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और उनके भी मैंने कोशिश की है सबके आंसर देने की। मैंने गूगल को लेकर एक वीडियो बनाया था, वहाँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे तो मैंने उनको भी उनके साथ में शेयर किया था कि हर कंट्री की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और जिस कंट्री में उसकी लिमिटेशन सबसे ज़्यादा
नॉर्मल रहती हैं, जहाँ जो उसकी जो सर्विसेज हैं सब ज़्यादा वाइड रहती हैं, वहाँ के रिजल्ट्स औरों से अलग होते हैं। तो गूगल सबसे मोस्ट प्रॉब्ली अगर काम करता है तो वो इंडिया में काम करता है। आप गूगल करके देखें, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ वो काम करता है, वो जापान में भी काम करता है, वो यूके में भी काम करता है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी काम करता है, लेकिन एक लिमिटेड ट्रांजिट्स के साथ में। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है आपको पता है। तो आज धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, उम्मीद करेंगे सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बिंदास रहें, तसल्ली से रहें और वीडियो को शेयर करें, इसको अपना प्यार बनाकर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर एक भी वीडियो मैंने टीआरपी के लिए नहीं बनाया है, ठीक है ना। बहुत सारे भाई लोग होते हैं कि यार जैसे ही आया कुछ भी अपना, उसमें जो है अपना मसाला लगाया और मसाला लगा के बोल दिया। तो यार हम तो जितने भी वीडियोज़ बना रहे हैं सारे के सारे, कोई भी वीडियो टीआरपी के लिए नहीं बनाया। सिंपल चैनल है, सिंपल वीडियोज़ बना रहे हैं आपके लिए। और जो हम धंधा कर रहे हैं उस धंधे में लगे हुए हैं। ऑलरेडी 2018 से मैं एक ही कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, उसी के साथ स्टेबल लगे हैं, थोड़ा वो ट्रेडिंग कर लेते हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अपनी सारी टीमें सेटल हैं, लगभग 42-43 कंट्री में हमारा इवेंट होने जा रहा है मालदीव में, उसकी तैयारी चल रही है। सब चीज़ ऐसे चलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाकर रखें। लव यू गाइस।